हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करा था, इस चैप्टर में जो इकोनॉमिक प्लानिंग वाला हमारा सेवन चैप्टर चल रहा है नितिन सिंघानिया से, हमने सात तरह के इकोनॉमिक प्लानिंग के मॉडल्स देखे थे एक तरीके से, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग के प्रकार देखे थे, आप मॉडल्स मत समझो क्योंकि मॉडल्स एक अलग चीज़ होती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में कि भारत को आज़ादी के टाइम पर इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड क्या थी। अगर आपको याद हो, मैंने इस चैप्टर की जब स्टार्टिंग करवाई थी इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको नीड बताई थी, है ना। आज़ादी के बाद हमें एक दिशा और दशा चाहिए थी कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर कहाँ जाने वाला है। दो तरह की डिबेट चल रही थी। हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे थे सौगंधा, कि हमें अपना इकोनॉमिक मॉडल कौन सी कंट्री के पीछे ओरिएंट करना चाहिए, अर्थवाइल USSR, और कौन सी आइडियोलॉजी पे, कौन सा एक इकोनॉमिक सिस्टम, गौरव वो था सोशलिज्म, है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका सोल डिसीजन मेकर कौन होगा, सरकार। लेकिन वहीं कुछ लोग जो दूसरे थे, उन्हीं के कैबिनेट मंत्री या ऑपोजिशन लीडर्स, उनका ये कहना था दूसरे नेशनल लीडर्स का कि देखो सरकार अगर शुरू से कमांडिंग, एक मैं टर्म बताता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट, सरकार अगर शुरू से ही इकोनॉमी को संभाले तो उसको पता है क्या कहते, उसको पता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, ये टर्म याद रखना आप लोग, कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी। मतलब सरकार संभाले, इस चीज़ को कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी नहीं कहते हैं, मतलब कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी मतलब इकॉनमी को जीरो से हीरो लेवल पर कौन लेकर जाएगा। अब दो ही रास्ते होते हैं किसी भी देश के पास, क्या रास्ते होते हैं, या तो सरकार या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सरकार में क्या क्षमता होती है कि शुरू से ही सरकार किसके लिए काम नहीं करती है दोस्तों, क्या सरकार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है, क्या प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है सरकार, क्या नहीं। हरनीत, सरकार का पर्पस क्या होता है अगर कभी भी सरकार इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है, क्या सुनिश्चित करना, क्या इंश्योर करना, सोशल वेलफेयर, वेरी गुड। और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में कोई भी चीज होगी, वो क्या सोचेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की कमी क्या होती है, सरकार दो चीजें नहीं ला पाती है, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। और ये दो चीजें, इन्वेंशन और इनोवेशन, प्राइवेट इंडिविजुअल जल्दी ले आते हैं। अगर दोनों के आपसी सहयोग से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है तो उसमें खराबी क्या है, ये एक डिबेट उठी आज़ादी के टाइम पर। और हम लोग किसकी तरफ गए, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल की तरफ। तो इसी के साथ अब हम इसको देखते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, बस ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाता था। नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या ज़रूरत थी, हमारी अर्थव्यवस्था सही नहीं थी, देयर वॉज पुअर इकोनॉमिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लैक ऑफ सिग्निफिकेंट प्राइवेट सेक्टर इन द इकॉनमी। याद होगा आज़ादी से पहले हरनीत श्रेया एक कंपनी चलती थी हमारे देश में, टिस्को, है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको किसने स्टार्ट करा था, वेरी गुड, जमशेद जी टाटा, वो याद है श्रेया, भिलाई स्टील प्लांट, है ना, तो उसी के साथ एसोसिएटेड है ये। उसके बाद फॉर इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर एफिशिएंट एलोकेशन, एलोकेशन किसके लिए हरनीत, जनता के लिए, ताकि कौन सा गैप को, कौन से गैप को कम करा जा सके, रिच और पुअर के गैप को कम करा जा सके, है ना। और रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब अगेन इन्हीं के बीच में अच्छे तरीके से डिवाइड करा जा सके, डिवाइड इस प्रकार से करा जाए कि इनका जो गैप है वो कम हो जाए। अब ना आप लोग हमेशा ये लिखते हो ना
गौरव, रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, एक अच्छी टर्म देता हूँ इंग्लिश की, आप लिखा करो, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है, ब्रिज करने का मतलब होता है रिड्यूस करना, ओके okay? उसके बाद लॉपसाइडेड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज जो आने की कोशिश कर रही हैं उनको तो बूस्ट यहां तक मिल गया, कुछ इस पॉइंट तक, कुछ इंडस्ट्रीज इधर ही कंसोलिडेशन मोड पर है, मतलब वो ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं, उनकी डेवलपमेंट हो नहीं पा रही है, उनको थोड़ा सा तो थ्रॉटल, थोड़ा सा तो पुश चाहिए ना सरकार की साइड से, और ऐसे मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर सबसे पहले सरकार जो है वो फैसिलिटेटर बन जाती है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करती है कि तुम आओ, मतलब पहले गाड़ी खुद स्टार्ट करती है फिर स्टेयरिंग व्हील पे प्राइवेट सेक्टर को बिठाया, इंडिकेटिव प्लानिंग, राइट, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ जनरली प्रैक्टिस इन मिक्स्ड इकॉनमी, हमने कौन सा मॉडल अपनाया था शुरू से ही, मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये वाला जो पॉइंट मेरे को नीचे बोल रहा है, लॉप साइडेड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट अगर उथल पुथल है, पहले सरकार संभाल ले फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चाबी दे दे, है ना, तो ये भी एक मिक्स इकोनॉमी का मॉडल लगेगा। शुरू शुरू में डायरेक्शन कौन दे, सरकार दे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कौन करे, सरकार करे, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके डिसीजन कौन ले, सरकार ले। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़े, माहौल सही बने, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स को ये पूरा का पूरा रोल दे दो, काफ़ी हद तक रोल दे दो, मतलब पूरा का पूरा क्या, काफ़ी हद तक रोल दे दो। क्या मैं कह सकता हूँ, ये जो लॉप साइडेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाली आज ये जो पॉइंट के बारे में बात हो रही है, ये एक प्रकार से इंडिकेटिव प्लानिंग है। सबसे पहले सरकार जो है, इट विल टेक कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इन दैट फेज, इन दैट पाथ, इट विल गिव सम रोल इन द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी टू प्राइवेट सेक्टर एज वेल, बट नॉट इनिशियली, बिकॉज देश अभी डीकॉलोनाइज हुआ है, अभी इंडिपेंडेंट हुआ है, राइट, ज्यादा अच्छे से कौन संभाल सकता है, सरकार। और क्यों, बिकॉज सोशल वेलफेयर इंश्योर करना है, शुरू से ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करना है। अगला पॉइंट, और क्या जरूरत थी इकोनॉमिक प्लानिंग की, मुझे बताओ, भारत ने फाइव ईयर प्लान की, इकोनॉमिक प्लानिंग की, सोशलिस्ट मॉडल होना चाहिए, शुरू से ही पब्लिक सेक्टर के हाथ में कमान होनी चाहिए, इसकी इंस्पिरेशन कौन सी कंट्री से ली, अर्सवाइल यूएसएसआर से, है ना, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली, राइट। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर शुरू शुरू में इंडिकेटिव प्लानिंग के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को पहले रोल दिया जा रहा है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर एंटर करेगा, हाँ कि ना। और अगर हम लोग सिर्फ पब्लिक सेक्टर के रोल की बात करें, तो उस मॉडल को हम लोग कहते हैं सोशलिस्टिक मॉडल या मॉडल ऑफ सोशलिज्म इन इकोनॉमिक प्लानिंग, राइट। और प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म या सोशलिस्टिक मॉडल अपनी इकोनॉमी में किसने अपना रखा था, यूएसएसआर ने। अब जैसे यूएसएसआर ने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी इकोनॉमिक प्लानिंग की, यूएसएसआर के मॉडल का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था। क्यों, यूएसएसआर वॉज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट विच प्लान जिससे इंडिया ने भी इंस्पिरेशन लिया आजादी के बाद, फाइव ईयर प्लान। यूएसएसआर वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंडिकेट विच पेंशन स्कीम जिससे इंडिया ने भी इंस्पिरेशन लिया, आगे चलकर ओल्ड एज पेंशन स्कीम, शाबाश। और ये सब कुछ यूएसएसआर में आया कब, प्रायर टू रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन खराब बात क्या थी, ऐसा करते करते ये मॉडल क्या बन गया, फ्रॉम सोशलिज्म टू कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म क्या होता है, क्रूअल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। इसलिए क्या भारत ने अंधाधुंध सोशलिस्टिक मॉडल को तो अपनाया, क्या मैं ये कह सकता हूँ हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का एक पहलू, एक आस्पेक्ट, एक एंगल सोशलिज्म था, सोशलिस्टिक मॉडल था, कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी का कंट्रोल, एक लगाम जो उसकी थी वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, कह सकता हूँ ऐसा, लेकिन कंप्लीटली नहीं थी, हाँ के ना, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद अब हम देखते हैं, आज़ादी से पहले ही अगर इतना सारा इन्फ्लुएंस है यूएसएसआर का इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर, नेहरू जी ने ना पहले ही सोच लिया था कि हम ना
एक सोशलिस्टिक मॉडल की इकोनॉमी बनाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था मैं करके ही ऐसा रहूंगा, लेकिन उनका एक विजन था ये। मुझे बताओ नेहरू जी ने अपने इस विजन को कहां पर हाईलाइट करा था? जल्दी बताओ कहां पे? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गलत हो गया मैं बताऊं। वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में, जो कि आगे चलकर किस नाम से जाना गया? प्रीएम्बल। अब देखो हम लोग देखते हैं भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर जो रणनीति थी इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। आपको ईयर याद रखना है हमारी यूपीएससी के सिलेबस में, 1934 से हरनीत पूरी कहानी स्टार्ट होती है मयूर, ठीक है? जितने भी कहानी हरनीत से स्टार्ट होती है इकोनॉमिक प्लानिंग की, 1934 से होती है। अब जो ये प्लान थे इकोनॉमिक प्लानिंग, जो इकोनॉमिक प्लान्स थे अलग अलग, उनका कोई ना कोई तो लेकर आता ही होगा, कोई ना कोई तो प्रपोज करता होगा। तो ये था प्लान एम विश्वर्या प्लान। इट एम्फसाइज्ड ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल्सो टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज। यानी कि विश्वेश्वरिया प्लान ने किस पे फोकस करा? इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, ठीक है? इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर सारी बातें मानी गई तो 10 साल के अंदर अंदर, यानी कि 1934 से 1944 में, अगर मान लो कि जब ये इंप्लीमेंट होते, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ 1944, ऐसा नहीं कि 1934 में आया तो इंप्लीमेंट हो ही गया था, क्योंकि अभी भी देश हमारा हमारे हाथ में नहीं था प्रॉपर तरीके से, ठीक है? इट एम टू डबल नेशनल इनकम विद इन 10 ईयर्स। एम विश्वेश्वरैया ने अपनी एक किताब लिखी थी प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उस किताब में इन्होंने एक बात हाईलाइट करी थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस प्रकार से होनी चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मकसद हो, जो गोल हो, वो होना चाहिए पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटनी चाहिए। ये था पहला प्लान। 1934 में ही दूसरा प्लान एक और आया सेम ईयर, फिक्की प्रपोजल। और फिक्की जानते हो ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बॉडी आज के टाइम पे क्या करती है? ये बड़ी सारी कंपनीज की बेसिकली एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क है, उनकी एक लॉबी है, बॉडी है, सरकार को प्रपोजल देती है ना कि आपका ये प्लान इस प्रकार से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहा है, हाँ कि ना, है ना? यही है। तो इनका बेसिकली ये मानना था कि लाजिस फेरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, एंड दे प्रेजेंटेड द ओपिनियन ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। और ये देखो मैंने आपको करवाया था लाजिस फेरे का मतलब क्या होता है, एब्सटेंशन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट, ठीक है? यानी कि पॉलिसी ऑफ लिविंग थिंग्स टू देयर ओन फ्री विल विदाउट इंटरफेरेंस, फ्री इंटरप्राइज, प्राइवेट इंटरप्राइज, इंडिविजुअलिज्म। यानी कि इस मॉडल को मैं क्या कह सकता हूं, सोशलिज्म या कैपिटलिज्म? वेरी गुड, कैपिटलिज्म, ठीक है? तो इट एंड इट रेज्ड हिज वॉइस टू एंड लाजिस फेयर इकोनॉमी, यानी कि देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक प्लानिंग। और किसकी चलनी चाहिए? कैपिटलिस्ट क्लास की, ठीक है? पहला वाला प्लान भी यही बोल रहा था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास की अगर चलेगी तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा ना।
इंडस्ट्रियलाइजेशन किसकी पहचान होती है, सरकार की या प्राइवेट इंडिविजुअल्स की? ज्यादातर प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, सरकार भी लाती है, लेकिन अगर मैं कहूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर तड़का लग रखा हो, फ्लेवर मिक्स हो अगर उसके अंदर इन्वेंशन और इनोवेशन का, तो कौन लेकर आ रहा है उसे? कैपिटलिस्ट क्लास. इट ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर सेटिंग अप नेशनल प्लानिंग कमीशन. तो हरनीत श्रेया जो वॉइस है ना कि हमारे देश में आगे चलकर फाइव ईयर प्लान बनाएगा प्लानिंग कमीशन, इसकी जो नींव है, इसकी जो जड़ है, इसका जो सीड बो करा गया, वो श्रेया फिक्की का जो प्रपोजल आया था 1934 में, उसके अनुसार करा गया, उसके द्वारा करा गया. ओके, यानी कि हमसे कोई पूछे कि प्लानिंग कमीशन की नींव कहाँ रखी गई थी हरनीत, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1934 का फिक्की का प्रपोजल, विच वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस. मतलब स्टेप है ना, रास्ता तो वही जा रहा है 1947 की तरफ. आगे चार साल के बाद आता है कांग्रेस प्लान, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको प्रपोज करा था. तो विद द इनिशिएटिव ऑफ सुभाष चंद्र बोस, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी 1938 में विद जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरपर्सन. ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में कुछ जो मतलब रिपोर्ट्स में कुछ जो पॉइंट थे, देवर पब्लिश्ड क्वाइट लेटर इन 1949, आज़ादी के बाद पब्लिश हुए थे, ठीक है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 50 में प्लानिंग कमीशन हमारी रेडी हो गई थी और 51 से पहला फाइव ईयर प्लान आ गया था, उसको भी देखते हैं हम लोग. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी 11th क्लास की NCERT के अंदर भी हाईलाइटेड है और UPSC पास में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, बॉम्बे प्लान. कैन यू इमेजिन कि कभी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कैपिटलिस्ट क्लास सरकार को अप्रोच करें कि आप हमारे लिए स्टेप लो, पॉलिसीज बनाओ और जैसा आप कहोगे हम वैसा चलेंगे? कैन यू इमेजिन इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी इंडिया, कि अंबानी अदानी सरकार के पास जाकर ये कहें आप बनाओ हमारे लिए इकोनॉमिक प्लानिंग, आप जितना टैक्स बोलोगे हम आपको उतना टैक्स देंगे, जैसा आप हमें गाइड करोगे हम वैसा चलेंगे. बताओ, इतनी अच्छी कोई प्राइवेट कम्युनिटी या कैपिटलिस्ट कम्युनिटी होती है जो सरकार को जाकर खुद अप्रोच करे? कभी ऐसा सुना है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स पब्लिक सेक्टर को अप्रोच कर रहे इस चीज़ के लिए? कैन यू इमेजिन? बताओ, ऐसा होता है? नहीं ना. लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत उन साल 1944 में हुआ जब हमारे देश में ये टाटा बिरला, ठीक है, जो भी लोग थे टाटा स्पेसिफिकली और कुछ इंडस्ट्रीज जो कि बॉम्बे और गुजरात के आसपास थे, पर्टिकुलरली बॉम्बे, उन्होंने सरकार को अप्रोच करा कि हम अपने देश को, हमारा देश सर जी आज़ाद होने वाला है, उन्होंने नेहरू जी से, उनके मंत्रिमंडल से बोला आज़ाद होने वाला है, हम चाहते हैं हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव जो है वो शुरू से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग चले, ठीक है, तो आप ना हमें गाइड करो, हमारे पास पैसा है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास दिमाग है इन्वेंशन और इनोवेशन करने के लिए, आप बस हमें रास्ता दिखा दो श्री कृष्ण की तरह, हम चल उस पर खुद लेंगे, हमारे पास इतना जज्बा है चलने के लिए, बस आप वो तरीका बता दें कि मंजिल तक जाना कैसे है. सरकार बहुत खुश. ये इतनी यूनिक चीज़ थी जो आज तक किसी कंट्री में कभी भी इंडस्ट्रीज क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा कभी भी अप्रोच नहीं अपनाई गई कि वो लोग खुद अप्रोच कर रहे हैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को, सरकार, है ना. तो इट वॉज इंस्पॉन्सर्ड बाय टॉप 8 इंडस्ट्रीज ऑफ बॉम्बे. ये 8 इंडस्ट्रीज मिलकर सरकार के सामने एक प्रपोजल रखते हैं. इनका एम ये था कि इन्होंने खुद बोला, सोच के देखो ये अपने प्रपोजल में क्या बोल रहे हैं, कि आप ना सरकार से, इन्होंने बोला नेहरू जी वगैरह से बोला, एग्रीकल्चर की रिस्ट्रक्चरिंग करो. कैसे? जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करो, रैपिड तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओ, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जो हैं उनको डेवलप करो और स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इनको डेवलप करो. दे एम्फसाइज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू इन्फ्लेशन. क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन लार्ज स्केल पर बल्क में लोगों को देगा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और जिसकी वजह से जो लोगों को इन्फ्लेशन की मार सहनी पड़ती है वो इसलिए सहनी पड़ती है बिकॉज डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लिमिटेड. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ देयर विल बी ह्यूज इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, प्लस देयर विल बी स्कोप ऑफ
इन्वेंशन एंड इनोवेशन, और इसके साथ साथ अल्टीमेट आउटकम जो निकलेगा वो निकलेगा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इन टर्म्स ऑफ जीडीपी प्लस जब रोजगार लोगों को मिल जाएगा वेलफेयर। हमने आपके सामने मोटा मोटी प्लान रख दिया, उन्होंने बोला इन आठ इंडस्ट्रीज ने सरकार के सामने, अब आप बताइए कितना सही है कितना गलत है, और अगर आपको हमारे प्लान में से कोई भी एक भी बात सही लग रही है तो कृपया आप हमें रास्ता दिखाएं, उस रास्ते तक जाने का उस मंजिल तक जाने का रास्ता दिखाएं, तरीका बताओ। बॉम्बे प्लान समझ में आया आप लोगों को? बॉम्बे प्लान इन सारे इकोनॉमिक प्लानिंग के रास्तों में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन था, सबसे इंपॉर्टेंट। समझ में आया? आगे गांधीयन प्लान 1944 में, सेम ईयर में जिस साल बॉम्बे प्लान आया था उसी साल आता है ये गांधीयन प्लान। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय आचार्य श्रीमान नारायण अग्रवाल। इन्होंने, अब गांधीयन प्लान है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन गरीबों के कॉस्ट पर तो बोलेगा नहीं, है ना? कोई भी जो गांधीयन प्लान प्रपोज कर रहा है, अब गांधी जी ने नहीं करा, नाम से सुनने से लगता है, लेकिन गांधीयन मॉडल पे प्रपोज हुआ था। तो इट एम्फसाइज ऑन इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑन द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कोऑर्डिनेटेड इंडस्ट्रीज के शुरू शुरू में, याद है वो पौधा मैं जो अक्सर बनाता हूँ, एक प्लांट बनाता हूँ मैं, कि ग्रोथ कहाँ पर हो सकती है, प्लांट की पत्तियों पर अगर आप पानी डालो या फिर रूट्स पर पानी डालो, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, रूट सिस्टम है ना, जड़ में पानी डालोगे तो पत्तियां ऑटोमेटिकली हरी भरी होंगी, पत्तियों में पानी डालोगे तो जरूरी नहीं है कि जड़ मजबूत होगी, है ना। उसके बाद 1945 में आता है पीपल्स प्लान। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय मनेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। मेन प्रायोरिटीज इस प्लान की थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अलॉन्ग विद मेंटेनिंग एन इक्वल बैलेंस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि ये एक ऐसा प्लान था जिसने पहली बार सी सॉ की तरह एक बैलेंस रखने की कोशिश करी बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बिटवीन एंड बिटवीन पब्लिक सेक्टर, ठीक है। उसके बाद 1946 में आती है दोस्तों प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड। इट वॉज सेटअप बाय द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द टाइम। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब आपको पता है टेम्प्ररी गवर्नमेंट जब थी उसकी कमान हालांकि लॉर्ड लुई माउंटबेटन ही संभाल रहे थे, लेकिन पूरी की पूरी सरकार जो बन गई थी एक टेम्प्ररी सरकार, एडहॉक सरकार, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और पूरे का पूरा उनका मंत्रिमंडल था ना, याद है लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर के अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए गए थे, पावर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये है ना, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर ये, ट्रांसपोर्ट विभाग में ये, फॉरेन अफेयर्स को ये संभालेंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इट वॉज सेटअप बाय द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द टाइम लेड बाय पंडित नेहरू। टू रिव्यू प्लान्स, इसका एम क्या था? टू रिव्यू प्लान्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस अपॉन देम, ठीक है। जो भी अभी तक प्लान चल रहे हैं उनको रिव्यू करना और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसके बाद देश आज़ाद होता है हमारा साल 1947, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी बनती है, इसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बनाया था टू मेक अ प्लान टू बैलेंस प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप अर्बन एंड रूरल इकोनॉमीज को, मतलब वो बैलेंस करना है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को, अर्बन डेवलपमेंट को, रूरल डेवलपमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को। दिस रिकमेंडेड फॉर फॉर्मिंग द प्लानिंग कमीशन। नींव रखी गई थी, याद रखना, यहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमीशन एक होनी चाहिए फिक्की प्रपोजल में। आज़ादी के बाद प्रॉपर तरीके से जो नाम, जिस नाम को हम जानते हैं, नीति आयोग का पुराना नाम प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और उसने भी, वैसे तो फिक्की ने भी यही प्रपोज करा था, नेशनल प्लानिंग कमीशन एक होनी चाहिए, ठीक है, इसने प्रपोज करा था। अब वो प्रपोजल उस टाइम पर कैसे मान लिया जाता, ना कोई इंटरिम गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में सब कुछ था, ठीक है। फिक्की प्रपोजल से होते होते 1947 में इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी बनती है एंड दिस रिकमेंडेड फॉर फॉर्मिंग द प्लानिंग कमीशन। और क्या प्लानिंग कमीशन का गठन होता है?
जी हाँ होता है। साल 1950 की बात करते हैं, सर्वोदय प्लान, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जिनको शॉर्ट में जेपी बोला जाता था। इन्होंने साल 1977 में क्या करा था, कौन है ये दिग्गज नेता, क्या करा था इन्होंने साल 1977 में? अरे भूल गए, जनता पार्टी बनाई थी, है ना, जनता पार्टी बनी थी, कांग्रेस श्रीमती इंदिरा गांधी को आया था, पोस्ट इमरजेंसी, है ना। उसके बाद इट एम्फसाइज्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, इट सजेस्टेड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन टेक्नोलॉजी, बाहर से कोई भी चीज़ हिंदुस्तान में ना आए, फॉरेन टेक्नोलॉजी ना आए, एंड दे स्ट्रेस अपॉन लैंड रिफॉर्म्स लाइक एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें। इट ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर डिसेंट्रलाइज एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, जिसमें जनता का योगदान हो, और डिसेंट्रलाइज लेवल पर मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हो, रूरल एरिया से। उसके बाद प्लानिंग कमीशन सबसे पहले किसने प्रपोज करा था, फिक्की प्रपोजल के थ्रू, आज़ादी के बाद इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, फाइनली 1950 में गठन होता है प्लानिंग कमीशन का। इसको जिम्मेदारी दी गई थी ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्स ऑफ द कंट्री, प्लान बनाओ फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू बींग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन का। और हमेशा प्लानिंग कमीशन का रूल क्या होता है, चेयरमैन हमेशा कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आपको पता है जो करंट सरकार है, जब साल 2014 में उन्होंने सरकार बनाई तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने क्या करा, नीति आयोग का गठन करा, जिसकी वजह से प्लानिंग कमीशन रिप्लेस करी गई एंड इट फंक्शंस एज अ थिंक टैंक, ठीक है। और इसमें अच्छी बात क्या होती है कि नेशनल लेवल पे प्लान बनकर पहले ना राज्य के ऊपर थोप दिया जाता था, अब क्या सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको टेबल पे बिठाकर कंसेंसस में कोई भी चीज़ मतलब रखी जाती है, फिर वो डिसाइड करी जाती है एंड इम्प्लीमेंट करी जाती है, ठीक है। ये एक थिंक टैंक है लेकिन नीति आयोग, याद रखना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई अच्छे से? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।